हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। डेली इस तरह से जॉब अपडेट्स 6 बजे आपको मिल जाती है। आज की अपडेट सीडैक की तरफ से, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसके बारे में बात करेंगे। पहले ही बता दूं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है, तो आप ज़रूर से वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो कोर्स है, जो कि 3000 में है, वो कोर्स अभी अवेलेबल है 1500 में। ऑफर वैलिड 18 अक्टूबर तक ही है, तो आप में से जिनको भी एनरोल करना है तो फटाफट से आप एनरोल कर सकते हो। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो डिटेल में देख लो प्रोसीजर की, और आप एनरोल कर सकते हो। सबसे पहले पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह बता देता हूँ। तो अगर आपने MEMTech किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट क्लास BTech किया हुआ है, यहाँ पे ब्रांच मेंशन नहीं किए, प्रोजेक्ट इंजीनियर में 59 वैकेंसीज है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ITI किया हुआ है, सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये पूरा रिक्रूटमेंट का टेबल तो आपको देख ही रहा होगा। नाउ आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिंक देने वाला हूँ। डायरेक्ट लिंक क्यों देने वाला हूँ वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उससे पहले थोड़ी एलिजिबिलिटी कंडीशंस और भी बात कर लेते हैं। जैसे कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है, 2020 वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ में नहीं मांगा हुआ है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 26,000 के करीब होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी सबके बारे में, जैसे कि यहाँ पे किस तरह से मांगा है, ये जो वैकेंसी है अलग अलग तरह से बहुत डिस्ट्रीब्यूट किए हुए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जो भी मैं यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आपको सीधा लैंडिंग पेज पे ले जाएगी CDAC के ऑफिशियल पे, जहाँ पे आपको इस तरह का वैकेंसी पेज तो दिखेगा, लेकिन जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वैकेंसी एक एक करके अलग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे TBPM PE 001, जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। और सबसे ज़रूरी बात इस रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे आपको 1 साल के लिए काम करने का मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो ये चीज़ खास ध्यान रखें, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले मैं फीस की बात कर लेता हूँ, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लंबा है, मैं बताऊँगा। इससे अच्छा आप खुद ही जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो फटाफट से स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो, इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ। अब सीधा यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है और यहाँ पे फीस क्या है। देखो यार, आपको फीस पे करनी होगी ₹500 मेल कैंडिडेट को, ₹250 फीमेल कैंडिडेट को, अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की कैटेगरी में अप्लाई करते हो। प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो ₹250 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड ₹100 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। नाउ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन में यहाँ पे बताया गया है कि आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है, मतलब आप अगर एलिजिबल हो, सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स मैच कर रही है, सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो आपका इंटरव्यू होगा। या फिर अगर यहाँ पे पोस्ट वाइज बताया गया है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर TBPM 001 004 011, ये पोस्ट के लिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो ये टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। और यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 002 3012 013, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, ये कैटेगरी में इन्होंने बताया हुआ है कि ये रिटन टेस्ट लेने वाले हैं। रिटन टेस्ट तो लेंगे ही, उसके अंदर क्या होगा, तो 25% आपका जेनरिक एरिया में से आएगा और 75% टेक्निकल एरिया। जेनरिक एरिया क्या है, तो उसके अंदर होगा इंग्लिश, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। और यहाँ पे बाकी उसके बाद जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, उनका यहाँ पे लिस्ट में वेबसाइट पे नाम आ जाएगा। तो ये सिलेबस कुछ तरह का दिया हुआ है, और आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो उस ब्रांच का टेक्निकल पार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे बताई गई है। जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ पे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जहाँ पे नहीं मांगा है वो आपको छोड़ देना है, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका ज़रूरी नहीं है, तो उसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस उनके पास है, तो आई वुड सजेस्ट एक बार ज़रूर से ट्राई कर देना, मौका अच्छा है। अगर 1 साल के लिए भी CDAC में काम करने का मौका मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कब से शुरू हो रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, ये मैं अभी लास्ट में इस बार ले गया हूँ, पहले ही बता देनी थी। 16 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है और ये चलने वाला है 31 अक्टूबर तक, तो
तो आप इसके लिए तैयार रहना, मतलब अभी टाइम है आपके पास और फेस्टिवल का भी थोड़ा टाइम चल रहा है, तो फटाफट से अप्लाई कर दो तो बाद में आपके ऊपर कोई हेडेक ना रहे। इंटरव्यू की डेट करीबन नवंबर में होगी और अगर टेस्ट या रिटन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट रही तो वो 17 नवंबर को हो जाएगी। तो बस सारी डिटेल्स क्लियर है, कुछ भी यहाँ पे छुपा नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक दे दिए, वहीं पे अप्लाई का भी ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि इस बार पोस्ट करके कोई मतलब नहीं था ब्लॉग पोस्ट करके, लेकिन आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है मैं जानता हूँ, जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कर लेते हैं। एंड वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर से कर देना, और अगर एनरोल करना चाहते हो एप्टीट्यूड कोर्स के लिए तो आज का और कल का लास्ट दिन है, तो फटाफट से आई बटन पे वीडियो क्लिक करके वीडियो देख लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप एनरोल कर सकते हो मेरे एप्टीट्यूड के कोर्स के लिए। आने वाले बहुत सारे सरप्राइजेस है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।